नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या सीख नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दी है ईमान की डगर पर चलने की, हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोने के दामों में जबरदस्त गिरावट की ये खबर है। जी हां, सोने के दाम 11 महीने के अपने निचले स्तर पर आ गए हैं। 27,510 ग्राम सोना अब 27,500 रुपए पर पहुंच गया है, जो कि 30 के आसपास चल रहा था। तो 11 महीने के अंदर ये सबसे निचले स्तर पर सोना आया है। क्या है इसकी वजह? आखिर सोने के दामों में ये गिरावट क्यों है? क्या असर हुआ है? वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सोने के दामों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली? हम तमाम जानकारी इस बारे में आपको ज़रूर देंगे, लेकिन सोने के दामों में गिरावट की खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या वजह है आखिर इतने गिरावट, दामों में जबरदस्त गिरावट कैसे आई वीरेंद्र? इसमें दो वजह सही देखो ये कि अगर आपको याद हो कि पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने बुलियन ट्रेडर्स को एक बहुत ही राहत दी थी, खासतौर पे मोदी सरकार आने के बाद, कि भाई जो गोल्ड लोन जो बंद कर दिया था बीच में, कोई पिछले एक साल से गोल्ड लोन कोई भी ट्रेडर्स नहीं ले सकता था, तो उसको राहत मिल गई थी, तो कोई भी ट्रेडर्स अभी ले सकता है। तो एक खुशी थी। और उसी दिन हमने देखा कि काफी गिरावट सोने की कीमतें आ चुकी थी, बल्कि अभी तो बाजार विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में सोने के जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी मोदी सरकार कम कर देगी, और जिसके कारण और इससे ज्यादा गिरावट हम देख सकते हैं। और दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीदारी काफी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, जिसके कारण उसका सीधा सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, आपका। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। सोने के दामों में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और पिछले 11 महीनों में ये सबसे ज़्यादा गिरावट है, जो धीरे धीरे पिछले कई दिनों से ये गिरावट देखी जा रही है।